हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू नॉइस के ब्रांड न्यू नेकबैंड नॉइस एक्सट्रीम की। और आप इसके फीचर्स सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होने वाले, क्योंकि इस नेकबैंड में आपको 100 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, डुअल पेयरिंग और ऐसे कई सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि नॉइस इसको लॉन्च कर रहा है काफी अमेजिंग लॉन्च ऑफर पे, जिसका प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा और उसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हर बार की तरह मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दिखाने वाला हूं, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन हो, साउंड टेस्ट हो या फिर दोस्तों माइक टेस्ट ही क्यों ना हो। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी बता दूंगा कि गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा इस नेकबैंड के साथ। और जैसा आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे नॉइस कलरफिट अल्ट्रा 2 बस की वीडियो पहले ही ला चुका हूं, जो कि नॉइस की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है। और हम ऐसी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे ले आते हैं, तो अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो बैक साइड पर अगर बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम, एनवायरमेंटल साउंड रिडक्शन, IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस, इंस्टेंट चार्ज यानी कि दोस्तों फास्ट चार्जिंग का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट और डुअल पेयरिंग की ऑप्शन मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे इसके फीचर्स। अब जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या है इसके बॉक्स के कंटेंट्स। तो बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आ गया हमारा मेन नेक बैंड, जिसको मैंने ग्रीन कलर में मंगवाया और भी कई सारे अमेजिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको नॉइस की तरफ से वेलकम कार्ड और इसकी कुछ मैनुअल्स मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाती है, जिसको आप अपने कानों के साइज के हिसाब से इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। और इधर मिल जाती है हमारी टाइप सी चार्जिंग केबल, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है और आप इजिली अपने नेक बैंड को इससे फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो चार्जिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और काफी लंबी चलेगी केबल। दोस्तों, एंड में हमें इसका वही टिपिकल पेपर वर्क और मैनुअल्स मिल जाती है, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डिटेल में आपको इसके सारे फीचर्स और कनेक्टिविटी वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहां पे आ गया हमारा मेन नेक बैंड, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है और यहां पे आपको बिल्कुल मेटालिक फिनिश मिल जाती है। ईयरबड्स की भी अगर बात करूं तो यहां पे आपको काफी अमेजिंग ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है और मैग्नेटिक अटैचमेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वायर की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग वायर लग रही है। और इधर आपको मिल जाते हैं सारे बटन, जिसके टच कंट्रोल्स मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। और यहां पे आपको मिल जाती है टाइप सी चार्जिंग केस, जिसको कवर पे प्रोटेक्ट किया गया और काफी अच्छी प्रोटेक्शन यहां पे मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी वाइज तो कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। इधर जो ईयरफिन्स है, इसको भी आप इजीली रिमूव कर सकते हो और आपके कानों में काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर देंगे। तो बिल्ड क्वालिटी में नेक बैंड की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और नेक बैंड के जो सॉफ्ट मटेरियल है वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। तो अब अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन और ऑफ का भी फीचर मिल जाता है, यानी कि दोस्तों जैसे ही आप ईयरबड्स को सेपरेट करते हैं, ये नेक बैंड ऑन हो जाता है। और जैसा आप इधर देख सकते हैं, यहां पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो इधर विद इन सेकंड यहाँ पे पेयरिंग की ऑप्शन आ गई और मेरा नेक बैंड काफी क्विकली यहाँ पे पेयर हो गया है। और जैसा आप इधर देख सकते हैं, इसमें आपको 100% बैटरी अभी भी दिख रही है, AAC कोडेक सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफी अमेजिंग बात है और आपके नेक बैंड की साउंड क्वालिटी को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। तो दोस्तों, मैं इस नेक बैंड को काफी टाइम से यूज करूँ। और अब अगर बात करूं सबसे पहले इसके कंफर्ट की, तो ऑलमोस्ट 45 ग्राम्स का नेक बैंड है, जो कि बहुत ही लाइट वेट है और आपके नेक पे बिल्कुल भी वेट फील नहीं होगा। और अगर बात करें इसके ईयर टिप्स की ग्रिप की, तो काफी अमेजिंग ग्रिप प्रोवाइड होती है, आपको एक्टिविटीज करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी अमेजिंग ग्रिप है और ये नेक बैंड आपके गर्दन पे काफी अच्छे से टिका रहेगा। और मैग्नेटिक ऑन और ऑफ मिलने की वजह से आप इजीली इस नेक बैंड को ऑफ करके मैग्नेटिक कनेक्टिविटी को यूज कर सकते हैं, और रनिंग के टाइम पे भी आप इस नेक बैंड को अपने कानों से निकाल के इसको ऑफ करके सिंपली यूज कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों, कंफर्ट वाइज नेक बैंड काफी अच्छा रहेगा। अच्छी लगी वो है दोस्तों इसका यहाँ पे एक यूजर कंट्रोल, जो कि आपको वायर के साथ ही मिल जाता है, तो आपको नेक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वायर में डायरेक्टली बटन मिल जाते हैं, जिससे आपकी एक्सेसिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको साउंड क्वालिटी बताना चाहूंगा कैसी है इस नेक बैंड की। तो मैंने इस नेक बैंड को यूज करके वेब सीरीज, सॉन्ग्स, डायलॉग्स वगैरह सब कुछ अच्छे से सुन लिया, और मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट साउंड क्वालिटी वाला नेक बैंड है अभी मार्केट में इस बजट में। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग साउंड क्वालिटी लगी है मुझे दोस्तों इस नेक बैंड की। और बेस की भी अगर बात करें, तो काफी अच्छे से एनहांस बेस आपको इसमें मिल जाता है। और अगर बात करें मिड हाइज और लोज की, तो वो भी काफी ज्यादा बैलेंस है। और वोकल्स की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, सारे डायलॉग्स आपको काफी अच्छे से सुनाई देंगे। और अगर आप कॉल में भी किसी से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले बंदे के वर्ड्स वगैरह आपको काफी क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे जाएंगे। तो दोस्तों, साउंड क्वालिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेक बैंड को बाय करने से पहले, वो इसमें काफी अच्छी दी गई है और मेरे हिसाब से इसके बजट को काफी अच्छे से जस्टिफाई भी करती है। और इसमें आपको 10mm के ड्राइवर्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छे से ट्यून्ड है, और साउंड क्वालिटी से मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। तो अब अगर बात करें टच कंट्रोल्स की, तो जैसा आप देख सकते हैं, यहां पे आपको मल्टीफंक्शनल बटन मिल जाता है, जिससे आप इजीली म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं इस पे सिंगल टैप करके, जैसा आप इधर देख सकते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपको प्लस माइनस बटन पे सिंपली टैप करना है। नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है वॉल्यूम प्लस बटन पे, और प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए आपको वॉल्यूम माइनस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है।
और दोस्तों अगर कुछ एडिशनल टच कंट्रोल्स की बात करूं तो वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको ट्रिपल टैप करना है इसके मल्टीफंक्शनल बटन पे और यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा जैसा आप इधर देख सकते हैं। कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको मल्टीफंक्शनल बटन पे टैप करना है और एंड करने के लिए भी टैप करना है। लेकिन दोस्तों अगर इनकमिंग कॉल को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डबल टैप करना है मल्टीफंक्शनल बटन पे। और अगर बात करें गेमिंग मोड को कैसे आप ऑन कर सकते हैं तो आपको लॉन्ग टैप करना है मल्टीफंक्शनल बटन पे 2 सेकंड्स के लिए और ऑटोमेटिकली आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा और उसका लेटेंसी टेस्ट मैं आपको वीडियो के एंड तक दिखा दूंगा। ओवरऑल दोस्तों ये थे इसके टच कंट्रोल्स जो कि काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है और ऐसा अभी तक एक भी बार नहीं हुआ कि मुझे टच कंट्रोल बार बार प्रेस करना और ये काफी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं स्नेक बैंड में। अब अगर बात करें स्नेक बैंड के बैटरी बैकअप की तो मैं इसको काफी दिनों से यूज कर रहा हूं और मेरे हिसाब से इसका बैटरी बैकअप इसके बजट में वन ऑफ द बेस्ट है। 100 आवर्स का बैटरी बैकअप देना दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस स्नेक बैंड को आप आराम से 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं और चार्जिंग टाइम भी इसका काफी मिनिमम है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसकी बैटरी को अगर कंसिडर करें तो। और अब अगर बात करें इसके माइक की क्वालिटी की तो जैसा आप जानते हैं अभी जो आवाज आ रही है प्रोफेशनल माइक से आ रही है और अब आप जो आवाज सुनेंगे वो स्नेक बैंड से सुनेंगे और इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जो कि काफी अच्छी है और आपकी माइक की क्वालिटी काफी ज्यादा इनहांस हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि कैसी लगी आपको नॉइज एक्सट्रीम नेक बैंड की माइक की क्वालिटी। तो दोस्तों अब अगर बात करें इस नेक बैंड के गेमिंग और लेटेंसी मोड की तो जैसा आप जानते हैं मैंने इसका गेमिंग मोड ऑन कर दिया 2 सेकंड के लिए लॉन्ग टैप करके मल्टीफंक्शनल बटन पे और अब जल्दी से मैं आपको इसका लाइव गेमिंग टेस्ट दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये था इसका लाइव गेमिंग टेस्ट और मेरे हिसाब से आप कैजुअल गेमिंग के लिए आराम से स्नेक बैंड को यूज कर सकते हैं और मैं इसको काफी दिनों से यूज करूं और मेरे को इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिसेंट लगी है। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें कंक्लूजन की कैसा लगा मुझे नॉइज एक्सट्रीम नेक बैंड तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसके प्राइस पॉइंट पे काफी अमेजिंग बाइंग ऑप्शन है। आपको 100 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, माइक डिसेंट मिल जाता है और साथ ही साथ गेमिंग मोड भी दिया गया स्नेक बैंड में। मैग्नेटिक ऑन और ऑफ स्नेक बैंड पे 4 चांद लगा देता है और मेरे हिसाब से आपको स्नेक के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस नेक बैंड को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बाइंग लिंक दिया हुआ है। अभी ये नेक बैंड अराउंड 1599 रुपीस के प्राइस पे लॉन्च हुआ है और आगे जाके डेफिनेटली इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नीचे दिए हुए लिंक पे जाके बाय कर लीजिए। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कैसे लगा आपको इस नेक बैंड का रिव्यू और आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। थैंक यू दोस्तों।